नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मंगलवार को थाना भवन थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ जानलेवा हमले के एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक झा के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम व अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत पुलिस ने थाना भवन क्षेत्र के ग्राम हिंड में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यक्ति द्वारा घटना में प्रयुक्त फरसा भी बरामद किया गया। प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 अप्रैल को थाना भवन क्षेत्र के ग्राम हिंड निवासी पीड़ित मन्नू पुत्र अशोक कुमार ने अपने ऊपर आरोपी हिस्ट्री शीटर द्वारा जानलेवा हमला कर घायल कर देने को लेकर आरोपी के खिलाफ थाने पर नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना भवन थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस तभी से आरोपी हिस्ट्री शीटर की तलाश करने में जुट गई थी। मंगलवार को पुलिस ने थाना भवन क्षेत्र के ग्राम हिंड में जानलेवा हमला करने के एक वांछित हिस्ट्री शीटर आरोपी मेनपाल उर्फ सुभाष पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम हिंड थाना भवन जनपद शामली को घटना में प्रयुक्त फरसा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। आरोपी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ पूर्व में भी पुलिस रिकॉर्ड में अंतरजनपदीय विभिन्न थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत थे।